आप लोगों के पास मोबाइल तो ज़रूर होगा। आपके मोबाइल पे ऐसे ऐसी इमेज है जो आपको खुद को भी नहीं पता कि आपके मोबाइल पे ऐसे इमेज आया कैसे। उसको जानने के लिए आपको पहले करना क्या होगा, अपने मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए यूएसबी केबल की तरह। उसके बाद डिस्क पीसी पे जाएंगे, उसके बाद आपका जो मोबाइल हो, आपका जो मोबाइल का डिवाइस होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक ओपन कर दीजिए। उसके बाद फ़ोन का स्टोरेज, उसके बाद देखिए DCIM सर्च की देखिए, यहाँ पर DCIM पे डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके सारे इमेजेस है जो कैमरे में तुले है, जो फेसबुक पे डाउनलोड किया है, जो स्क्रीनशॉट है वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको डॉट थंबनेल, यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए मेरे पास तो कुछ सारे हैं क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत सारे इमेजेस डिलीट किए थे। फिर भी देखिए कितने सारे इमेज है जो कैप्चर हो गया है। यहाँ पर आपको दिख ऐसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसे बहुत सारे इमेजेस है जो आपने कैप्चर किया था मोबाइल पे, लेकिन ये सब आपने मोबाइल पे कैप्चर नहीं किया था। मोबाइल पे जो कैप्चर किया था वो आपको दिखा कि यहाँ पर कैमरे पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो मोबाइल पे कैप्चर किया था, लेकिन जो डॉट थंबनेल का फोल्डर है यहाँ पर आपको आप इंटरनेट पे कुछ भी विजिट कर रहे हैं या फिर कुछ वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ इमेज देख रहे हैं, आपके मोबाइल के सामने जो डिस्प्ले होता है ना वही उसे मोबाइल कैप्चर कर लेता है आपको बताए बगैर। यहाँ पर आपके बहुत सारे इमेजेस देख रहा होगा वो जिसकी फाइल साइज़ बहुत कम है और क्वालिटी बहुत ख़राब है। ऐसे ऐसे इमेजेस आप कैप्चर करने का बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो सारे इमेजेस आप डिलीट कर सकते हैं हर महीने। ये सारे इमेजेस आप डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो फ़ोन की स्टोरेज है ना वो फुल होते जाएगा।